मैं यतींद्र मिश्र आज आपको पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी के संगीत जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। हुआ यह था कि एक दिन ऐसा था जब गिरिजा देवी को सारे लोग उस संगीत सम्मेलन में सराह रहे थे। काशी में ये संगीत सम्मेलन हो रहा था और ये 60 के दशक की बात है। एक से एक बड़े दिग्गज कलाकार वहाँ मौजूद थे। सिद्धेश्वरी देवी मौजूद थीं, पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र मौजूद थे, बिस्मिल्ला खान साहब मौजूद थे और हमारी अप्पा जी मौजूद थी। गिरिजा देवी जी गा रही थी। उस दिन झूला, बारामासा, चैती, कजरी जो भी वो गा रही थी सब पे सराहना मिल रही थी। लेकिन आपको नहीं पता कि अकेले बिस्मिल्ला खां ऐसे थे जो चुपचाप बैठे थे और सराहना के कुछ दूसरे अर्थ ग्रहण कर रहे थे। हर एक आदमी जो उनसे मुखातिब था वो कह रहा था, वाह गिरिजा क्या गा रही थी, वाह गिरिजा, वाह गिरिजा, वाह गिरिजा, वाह गिरिजा की अनुगूंज से वो सम्मेलन पटा हुआ था। और हमारे अपने बनारसी फक्कड़ अंदाज में रंगे हुए बिस्मिल्ला खां चुपचाप बैठे इस सारे वाक्य को देख रहे थे। एक बनारसिया अंदाज में वो उस दिन मस्त मलंग थे। और गिरिजा देवी से जब सारे लोग कह चुके और वो एक तरह से सम्मेलन अपनी समाप्ति पे था तो उन्होंने जाके कहा कि गिरिजा तुम इन सब की एक न सुनना, और ये बार बार कह रहे हैं कि गिर जा, मैं कहता हूँ संभल जा, गिरना नहीं है तुझे, बहुत आगे जाना है, संभल जा गिर जा। बनारस में सराहने की परंपरा कुछ विचित्र है। आप भारतेंदु हरिश्चंद की कजरियों को सराह रहे हों, या आप किसी भाई जी के गीत को सराह रहे हों, या किसी महाराज के संगीत का ज्ञान देख रहे हों, हर सराहना में कुछ ना कुछ मस्ती, कुछ ना कुछ फक्कड़पन, कुछ बनारसी रंग मिला रहता है। गिरिजा देवी के साथ भी वही हुआ। वहाँ जब वे गा रही थी तो बार बार साथी कलाकार और बड़े दिग्गज कलाकार वाह वाह कर रहे थे, गिरिजा गिरिजा कर रहे थे, लेकिन बिस्मिल्ला खां थे जो उनको टोक रहे थे, हिदायत दे रहे थे इस बात के साथ कि संभल जा गिरना नहीं। तो ये बनारसी अंदाज है बिस्मिल्ला खां का कि जब उनके नाम की पुकार के साथ उन्हें सराहा जा रहा था तो उसके कुछ दूसरे अर्थ भी वे ले रहे थे।